स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की कटु आलोचना करते हुए कमलनाथ पर तंज कसा एवं भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को सतना जिले के रैगांव विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके उपरांत उन्होंने सतना में रोड शो भी किया जो संतोषी माता परिसर से प्रारंभ होकर टिकुरिया टोला में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास की गति देने हेतु भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लेकिन उपचुनाव हारने के बाद भी लगातार आपके बीच में सक्रिय बनी रही, सेवा के प्रयास करती रही और हमने भी उपचुनाव में जो घोषणा की थी, कई बार ये लगता है कि अब हार गए काहे की घोषणा, लेकिन अधिकांश चीजें पूरी करके रैगांव विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों को दी है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मध्यप्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में हमारी सरकार है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत और आदित्य नेता है, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मध्यप्रदेश में भी हमने सरकार नहीं चलाई, 76 घोषणाएं पूरी हुई है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसके हमने निभाया मेरे बहन और भाइयों, हमने निभाया, हमने छोड़ा नहीं और हमने सरकार नहीं चलाई, हमने परिवार चलाया। परिवार मैं हमेशा कहता हूं मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। परिवार का मतलब क्या होगा? अभी लाडली बहना के परिवार की तरह बन सकती थी। मैं देख रहा हूं इतनी रात में भी कई जगह बहन बैठी। मेरी बहनों, मेरे मन में एक ही भाव है कि हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, पैसे मांगने पड़ते हैं, कई बार मांगने को भी नहीं मिलते। और तब मन में यह विचार आया कि जब परिवार है तो तू चिंता कर। और इससे मेरे दिमाग में यह बात आई कि बहनों के खाते में साल में एक बार नहीं हर महीने पैसा डालना चाहिए तो उनकी जरूरतें पूरी हो। ये लाडली बहना योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और बहनें भी कम नहीं है मेरी, 1,32,00,000 है, 1,32,00,000। उसके बाद भी कई कह रही भैया हम तो रह गए, हम कर रहे हैं क्यों क्या बोले, हमने सोचा बैसू जैसे कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा तो हमने भरो ही नहीं। अब उन बहनों से भी कह रहा हूं चिंता मत करना, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। और अभी तो 1,000 से शुरू किया था, 1,000 से बढ़ा के 1,250 किए, लेकिन भैया यहां रुकने थोड़ी वाला है, अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। जुगाड़ लगते बहुत पैसा है, क्यों 1,32,00,000 बहनों के खाते में डालो तो घंटे साल भर में 15,000 करोड़ जाते। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? और कमलनाथ को रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री काहे को बन गया तुम्हें, रो रहे हो पैसा ही नहीं है, कौन बनाया मुख्यमंत्री? मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शारदा मैया की कृपा से, भगवान राम की कृपा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।